हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूँ शिवांगी टैरो रीडर एरिस के लिए, जिनकी बर्थ डेट है मार्च 20 टू अप्रैल 19 की, ठीक है। जिनकी बेस सन साइन है एरिस, उन्होंने ही ये देखना है। और जिनके साथ में ये रेजोनेट होती है उन्होंने प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये ट्रू फीलिंग्स है यहाँ पर, जो भी कैच होती है एनर्जी में, यही रिक्वेस्ट करती हूँ यूनिवर्स से, परमात्मा से, कि मेरे व्यूवर्स की यहाँ पर एनर्जी कैच हो और उन्हें उनके लव लाइफ, उनके रिलेशन में, उनके प्योर सोलमेट के लिए उन्हें यहाँ पर गाइडलाइन मिले, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, डेथ एंड रिबर्थ, द एम्परर, जजमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ सॉर्ड्स। Ace of Pentacles, Page of Pentacles, Three of Cups, सेम कार्ड निकला है, द फूल, एट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एरिस, आपके लिए ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि कि आप ना सेल्फ इनर वर्क करना चाहते हो, और आप आपको वो करना भी चाहिए, क्योंकि आप ये थोड़ा सा लव रिलेशन को, आपके ये न्यू लव को जो भी है, उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चिंता करने कर रहे हैं, और बार बार वही थॉट्स आपके दिमाग में, यानी दिमाग में बार बार आते यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यही फर्स्ट गाइडलाइन आ रही है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। आप पहले खुद से प्यार करना सीख लीजिए, ओके। खुद से प्यार करना सीखिए, जिससे आपको एक खुद के तरफ एक स्टैंड लेने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब हम सेल्फ लव करते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है हमारे अंदर, वहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस, आप चाहते हो, आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए यहाँ पर, कि न्यू जिंदगी, न्यू स्टार्ट, कुछ करें, ओके। ऐसा कुछ करें जिसमें न्यू करियर हो, न्यू मीन्स सब कुछ नया हो। आप बहुत बड़ा सोच रहे हो कि आप करियर में भी बहुत हाई लेवल पर जाना चाहते हो, पैशनेट हो, तो आप आपके पार्टनर्स के लिए फीलिंग्स सही रख रहे हो कि जो भी नई दुनिया कर रहे हो, जो भी नया सोच रहे हो, तो उसमें मेरा भी साथ है आपके लिए। यहाँ पर ये फीलिंग्स आ रही कि आपका साथ है, आप उनके साथ में कहीं ट्रैवल करने के लिए भी जा सकते हैं, या उनके लिए कुछ प्लानिंग करना, कुछ जैसे रहता है ना कि उनको आइडिया नहीं आ रही है, तो आप प्लानिंग बना सकते हैं कि हाँ, आप कैसे इसका प्लानिंग करना है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ आप उनको सपोर्ट देना चाहते हैं,
आपका कहना है कि मैं आपके करियर में आपका साथ दूँ, कुछ भी हो, कुछ भी उनका बिजनेस हो, जो भी है उसके लिए, उस उनके करियर के साथ में मैं अपना लव रिलेशन जो है, मेरी लव फीलिंग्स भी मैं यहाँ पर अटैच करना चाहती हूँ, ऐसा ऐसा आपका यहाँ पर उनके लिए दिख रहा है। तो दोनों की भी साथ में ग्रोथ होगी और दोनों भी आगे जाना चाहेंगे, ठीक है। यस सेम, आप वही सोच रहे हैं, बॉटम ऑफ द डे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके करियर में बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत सपोर्ट, दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं हर चीज़ में, चाहे वो फैमिली हो, बाहर उनका ऑफिस हो, उनका कोई बिजनेस हो, जो भी आपके आपके लव पार्टनर हैं या जो भी न्यू लवर लव है आपका, उनको आप पूरी तरह सपोर्ट करना चाहते हो कि हम दोनों साथ में यहाँ पर काम करें, तो हम एक से ज़्यादा डबल कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है। और आपका कहना है कि आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपके पास में न्यू आइडियाज़ है, आपके पास में उस चीज़ का जो भी आप, उन्होंने बस आपको कहना चाहिए कि हाँ इस चीज़ पर, यानी इस पर्टिकुलर थिंग पर आप सोचो और मुझे प्लान बना के बताओ, जिसे कुछ भी एग्जांपल हो, कोई आप, यानी यहाँ पर क्रिएटिव आपका माइंड है और आप उनको देना चाहते हो, उनको सपोर्ट करना चाहते हो, आप उनको हेल्प करना चाहते हो, और आपको खुशी मिल रही है इस चीज़ की कि मैं उनको पहले सपोर्ट तो कर लूँ, वो आगे तो जाए, फिर हम अपनी जीवन की एक जो भी सच्चाई है, जो भी लॉन्ग लाइफ हमारी साथ है, वो हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। तो पहले यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये फीलिंग्स आ रही है कि आप दिल से चाहते हो कि वो कुछ आगे बढ़े, ठीक है, और वो आपके लिए चाह रहे हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसी हैं कि आप बहुत प्यारे हो, आप लवेबल हो, हर किसी की केयर करने वाले पर्सन हो, आप रिच भी हो, आप दिल के भी रिच हो, वैसे भी आप बहुत अच्छे हो, फैशनेबल रहते हो, आपका बहुत ही अच्छा अप्रोच है लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने का। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप, उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है, और आप जब भी बात करते हो तो करियर फोकस पर, मीन्स करियर पर रहता है आपका फोकस, और जो भी जिसका भी आपको बात करनी है ना, तो आप कोई घर में छोटा भी रहा तो उसके करियर के बारे में बोलोगे, बड़े रहेंगे तो भी उनके फ्यूचर प्लानिंग के ही बारे में बोलेंगे। तो एवरी टाइम आप प्यार करते हो सबसे, आप केयर करते हो, बट यू आर फोकस ऑन हर एक के करियर पर, ठीक है, कि उनके जीवन में वो कुछ बेहतर बना है। तो ये उनको बात बहुत पसंद आती है आपके लिए, और आप आपके जीवन में सक्सेस भी हो, ठीक है, आप सक्सेस हो, आई थिंक इसलिए आप उनको हेल्प करना चाहते हो। ओके, यहाँ पर ये फीलिंग्स आ रही हैं कि आप सक्सेस हो, आप एक स्टेप आगे हो उनसे, तो आप चाहते हो कि उन्होंने कुछ भी मेरे साथ मुझे पूछा कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, तो यू आर रेडी फॉर दिस, ऐसे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं। यस वो आपको आपको बहुत बहुत ही, मैंने कहा ना, मॉडर्न समझते हैं, आपके आपके अंदर बहुत सारे पेशेंस है, आपको गुस्सा भी आए तो आप उसको जल्दी से
आप कवर अप कर लेते हो, ना कि उसका लॉन्ग टाइम लॉन्ग पीरियड आप उसको रखते हो। यहाँ पर वो भी उनके ख्यालात आ रहे हैं, और उनको ये भी ख्याल उनको ये भी आ रहा है कि आप ना कोई आप इतने ये हो, पॉजिटिव हो कि आप ना किसी को मीन्स निगेटिव थिंकिंग, किसी ने निगेटिव कुछ कह दिया ना, आप उसमें से भी पॉजिटिव निकाल के एक रास्ता नया न्यू वे एक रास्ता आप आपके उनके आपके लिए ढूंढ लेते हो। ठीक है, ये आपके उसमें खूबियाँ है, ये उनको पसंद है। आप यानी छूने ही नहीं देते हो निगेटिव एनर्जी के, खुद के ना दिल को छूने देते हो ना माइंड को छूने देते हो कि हाँ किसी ने बोल दिया तो ये ऐसा ऐसा लॉस हो रहा है, तो आप उसमें से भी आप ऐसा वे निकालोगे कि यस ठीक है, उसमें हम कैसे कवर करेंगे। तो आप पॉजिटिव के तरफ टर्न अप हो जाते हो, ना कि उस लॉस को लेके वहाँ पर बैठते हो। और उनको ये भी लगता है कि आपने ना एक खुद के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्शन बना के रखा है, किसी को आपके यानी आपके दिल में झांकने के लिए चांस ही नहीं देते हो। और ऐसा ऐसा यानी उनको ऐसा भी लगता है कि आप ब्लाइंड हो, किसी के दिल को भी झांक कर नहीं देख सकते, किसी के दिल को नहीं पहचान सकते, ऐसा भी उनको यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, उनको ऐसे ऐसे लग रहा है कि आपने कितनी सारी आपके एक बाउंड्रीज बना के रखी है कि वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं। हरदम कुछ बात करना चाहेंगे तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी को लेके आते हैं या कुछ करियर फोकस के लिए, तो वो उस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे कि आपके अंदर उनके लिए फीलिंग्स है कि नहीं। उनको यहाँ पर थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता हुआ दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर दोनों को फीलिंग है, पर दोनों को भी ये रियलाइज हो रहा है, डीपली रियलाइज हो रहा है कि वो चाहते हैं एक दूसरे को, पर आप चाहते हो एक दूसरे को, पर यहाँ पर एक सोसाइटी या ऑफिशियल मीन्स एक से ज़्यादा लोग आप दोनों के बीच में ज़्यादा रहते हैं, तो एक अंदर से बहुत ये दर्द हो रहा है कि हाँ हम ऐसा कुछ बात ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो करना चाहिए, जो हमने और उसके लिए क्या हो रहा है कि एक रियलिटी सामने आ रही है यहाँ पर दोनों के इसमें कि हम बहुत ही ऐसे डिस्टेंस में हैं, दूर दूर हैं। ठीक है, पास आने का यहाँ पर कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा है, चांस ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो भी सराउंडिंग में पीपल है वो ऐसे नहीं है कि आप दोनों को कहीं पर समझ ले या आप दोनों के फीलिंग्स को यहाँ पर समझ जाएंगे। तो शायद ये आप दोनों को रियलिटी पता है, इसलिए यहाँ पर द मून का कार्ड आया है, और इसके वजह से आप दोनों भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो एक दूसरे से कि क्या होगा ये रिलेशन को लेके, क्या हम जीत पाएंगे, आगे जा पाएंगे या कुछ ऐसा डिप्रेशन में जाएंगे। ये क्या हो रहा है कि आप दोनों ना अपना अपना सोच रहे हो, वो उनका सोच रहे हैं और आप आपका सोच रहे हो। यहाँ पर आप दोनों के पास में जो है वो आप दोनों एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है कि आप कुछ कम्युनिकेशन करते हो। ठीक है, मोबाइल टू मोबाइल फ़ोन पे बात करते हो, SMS के थ्रू बात करते हो, कहीं से तो भी आप बात करते हो, तो आपका जो ये दोनों का डिस्टेंस है तो यहाँ पर
कम हो सकता है, पर आप दोनों सेम ही सोच रहे हो कि बात करेंगे, पर उस चीज़ का भी डर लग रहा है कि क्या यहाँ पर वो मानेंगे या वो समझेंगे हमारे फीलिंग्स को। तो दोनों का भी ऐसे हो रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एक दूसरे से बात करने का। कभी ऐसे लग रहा है कि दिल बहुत टूट जाएगा, उन्होंने कुछ बोल दिया ना बोल दिया तो। और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, उन्होंने उनको पसंद नहीं आया कि मेरी फीलिंग्स आपके लिए ये है मैंने बताने के बाद में, तो शायद यहाँ पर कुछ झगड़ा तो नहीं हो जाएगा। ये रिश्ता जितना भी मीन्स फ्रेंड्स है या जो भी एक साथ में काम करना चाहते हैं तो वो भी टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, दोनों भी सेम थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों में खासियत ये है कि आप दोनों की आप दोनों जल्दी ही अपने पास्ट को भूल जाते हो और जल्दी ही नई शुरुआत को स्टार्ट करते हो, ठीक है। मैंने कहा ना कि उनको ये पसंद है, आप कुछ निगेटिव एनर्जी आते हैं वो रिलीज़ कर देते हो, उसको कन्वर्ट आप पॉजिटिव में कर देते हो। लाइक दिस यहाँ पर दोनों में ये एक स्ट्रेंथ है कि आप हर चीज़ को एक नए सिरे से लेते हो, ओके। एक नया चैप्टर खोल देते हो, जो पुराना चैप्टर है वो क्लोज कर देते हो। कल का दिन गया, आज क्या करना है ये सोचने वाले आप लोग हो, ये सोचते हो आप लोग, तो यही आपकी स्ट्रेंथ है। इसलिए ही आप लोग बहुत सक्सेस हो और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। यस, क्वीन ऑफ, आप लोग दूसरे से प्यार वो करते हो और दूसरे सबको हेल्प भी करते हो, पर बड़े प्लानिंग से करते हो, उसमें भी प्लानिंग रहती है आप दोनों की, ओके। इजीली आप किस पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो, ऐसा यहाँ पर है कि आप पहले पहले देखते हो कि नेक्स्ट पर्सन कैसा है, सचमुच उसको ज़रूरत है, तभी आप उनके तरफ मुड़ते हो, तभी सोच कर नीट एक डिसिप्लिन एंड एक परफेक्ट वे से आप उनके तरफ जाते हो। ये आपके दोनों की एक गुड स्ट्रेंथ है और आप एक गट्स है, आप में पॉजिटिव गट्स है। यहाँ पर आप दोनों का यहाँ पर एक ये रिलेशन अच्छे से बाउंड क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज बोथ आर एक स्टैंड लेके खड़े हो, ठीक है। वो उनके स्टैंड पर है और आप आपके जैसे एक कोई पोजीशन पर आप लोग हो, लाइक दिस कि आप आपके पोजीशन पर हो, अड़े हो और वो उनके पोजीशन पर अड़े हैं और एक दूसरे को एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। एक दूसरे के जैसे रहता है ना बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कि एक बहुत हाई लेवल के मैनेजर रहो, ठीक है, और उनकी सेपरेट कैबिन हो और एक दूसरे मैनेजर है उनकी सेपरेट कैबिन हो, तो एक दूसरे के कैबिन में जाने के लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पर ये फीलिंग्स आ रही है कि परमिशन लेनी पड़ रही है। जब परमिशन लेनी पड़ेगी तो ही आप बात आगे बढ़ पाओगे। तो दोनों भी एक ऐसे खुद के कैबिन में बैठे हो, आप आपके कैबिन में और वो उनके कैबिन में, और बस फील कर रहे हो कि वो आएंगे तो। पर क्या हो रहा है कि वो कैबिन जो है कांच एक बनाया हुआ है, तो वो बीच में आप लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट्स अपने बीच में खड़ा कर दिया है, तो वो टूट जाए, ठीक है। वो एक ईगो आ रहा है, ओके, आप दोनों के बीच में ईगो आ रहा है, और ईगो टूट जाए या कम हो जाए
तो यहाँ पर बात बन सकती है। यस, द सन का कार्ड आया है, जस्टिस, टेन ऑफ वंड्स। यस, आप दोनों का, मैं वही कह रही हूँ कि वो ईगो, आप है ना, आपको ऐसे लग रहा है कि हम हमारी दुनिया में खुश है, इसलिए ना आप इतना ज़्यादा एक दूसरे को ना आप टैली कर रहे हो, या किसी और के साथ में आप लोग कंपेयर कर रहे हो, हाँ वो बेटर है या ये बेटर है, इनका काम अच्छा है या उनका काम अच्छा है, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है, दोनों भी, आप भी उनको कर रहे हैं कंपेयर और वो भी आपको कर रहे हैं कंपेयर किसी और के इसमें। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि आप लोग ना आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, पीछे पीछे जा रहे हो, आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, पीछे पीछे जा रहे हो, तो आप स्टेप आगे नहीं ले रहे हो अपने लव लाइफ के लिए, एक स्टेप बैक लेके बैठे हो। तो पहले यहाँ पर ईगो ख़त्म हो जाए आप दोनों का, आप दोनों का यहाँ पर दूसरों से कंपेयर करना यहाँ पर स्टॉप हो जाए, और स्टेप बैक लेने का सोचकर आगे कैसे जाने का ये सोचोगे, तो ये रिलेशन बहुत अच्छा यहाँ पे बॉन्ड होगा, ठीक है, एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर होगा। पर यहाँ पर आखिरी में जजमेंट का कार्ड आया है और उसके साथ में द लवर का, ठीक है, तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये आया है एरीज के लिए कि आप ये रिलेशन के लिए आप मैनिफेस्ट करते यहाँ पर दिख रहे हो कि हमारे दोनों में कुछ एक ट्रांसपेरेंसी हो जाए, ठीक है, ये जो मैंने कहा ना यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस हैं ये यहाँ पर चले जाए तो आपका रिलेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही आप जजमेंट चाहते हो भगवान के तरफ से कि हाँ हम दोनों में एक ट्रांसपेरेंसी आ जाए, क्लियर बात हो जाए कि क्या है, ठीक है, और क्या नहीं है, रियलिटी क्या है क्या नहीं है, आप चाहते हो नहीं चाहते हो एक बार तो बता दो, ठीक है। तो एक बार बताने से क्या होगा कि जो दिल में जो बहुत सारी तकलीफें हो रही है या बहुत एक डिस्टर्बेंस आ रहा है करियर के बीच में, या यहाँ पर एक ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ टाइम जा रहा है उसके वजह से आपका, कभी कभी रात को नींद नहीं आ रही है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच लेते हो या एक आप उनके बारे में, तो यहाँ पर आप वही प्रेयर कर रहे हो कि एक बार ऐसा नहीं कि एक बार क्लियर कट हो जाए कि सचमुच भगवान ये रिलेशन मेरे लिए है या नहीं, एक बार तो कुछ तो भी एक फाइनल आउटपुट दे दो, ठीक है, तो जिसके वजह से मुझे यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है, जो भी हो, टावर मोमेंट का भी कार्ड आया है, तो जो भी हो, यस और नो, कुछ तो भी फाइनल होने दो जिससे आगे फिर मैं फ्रेश, क्योंकि आप में वो क्वालिटी है कि आप, मैंने कहा ना आप लोगों में वो स्ट्रेंथ है कि आप फटाक से पीछे का भूल जाते हो और आगे बढ़ने का यहाँ पर सोचते दिख रहे हो, आप चेंज हो जाते हो, पास्ट को लेके नहीं बैठते हो, तो आपका, आपको ये बर्डन जैसा लग रहा है कि ये सक्सेस के बीच में एक बर्डन सा है, मैं इसको जरा क्लीन कर लूँ या क्लियर कर लूँ, ये है, ठीक है, वो रियल हमारे लाइफ पार्टनर है तो हमें बता दो, कुछ तो भी सिग्नल दे दो, तो यहाँ पर आपका यही कहना है, ओके, तो हम यहाँ पर और देखेंगे। इसलिए आप यहाँ पर सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, यस। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक जो रास्ता है, मैंने कहा ना आपको कुछ रास्ता मिल जाए, आपकी कुछ न्यू जर्नी वहाँ पर स्टार्ट हो, जो भी है, तो आप ना एक कंक्लूजन पर आप अभी आ जाओगे, आपको यहाँ पर
कुछ इंट्यूशंस आएंगे, ठीक है, इनके बारे में आपको एक मैसेज मिलेगा, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, आपको एक रास्ता मिलेगा उनसे बात करने का, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको वो जो आप चाहते हो कि कुछ तो भी एक रास्ता मिल जाए या कुछ तो भी यहाँ पर मिल जाए, तो ठीक है, जिससे मैं उनको क्लियर कट उनसे बात कर लूँ और क्लियर हो जाऊँ कि क्या है। तो यहाँ पर एक उसका एक है कि डिवाइन कह रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो उनसे बात करने के लिए, ठीक है। आप म्यूज़िक का या लेटर का, ओके, कुछ पोएट्री बना के या जो भी चीज़ आपको लगती है कि मैं इस वे से उनसे बात कर सकता हूँ या बात कर सकती हूँ, तो आप उस वे से उनके साथ में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ उनके तरफ से आंसर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ लव करना है और आपको यहाँ पर डिवाइन के तरफ से कहा जा रहा है कि आपके रिलेशन में जो आप चाहते हो वहाँ पर कहीं तो भी यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी ये रिलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट मंथ में यही रीडिंग में लव रिलेशन के रीडिंग में नेक्स्ट मंथ में क्या आता है, ठीक है। तो गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड नमस्ते।